नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। कार्तिक पूर्णिमा से पूर्व बलिया पुलिस अधीक्षक पहुंचे श्रीरामपुर घाट, गंगा के किनारे पैदल गश्त कर परखा सुरक्षा व्यवस्था, दिए जरूरी निर्देश। खबर जनपद बलिया से। भृगु की धरती को यूं ही पावन नहीं कहा जाता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ के स्नान का भी खास महत्व है। गंगा घाट पर पहुँच हजारों श्रद्धालु गंगा की गोद में डुबकी लगाते हैं। सब भगवान भास्कर व गंगा की पूजा कर अपने सुख व संपन्नता की कामना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक इस आनंद ने श्रीरामपुर घाट पहुँच सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बलिया पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर घाट का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ SDM सदर, क्षेत्राधिकारी नगर SN वैभव पांडे, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजय सिंह पुलिस टीम के साथ मौजूद हैं। गश्त के दौरान SP द्वारा अधिकारी व कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भृगु क्षेत्र बलिया में गंगा स्नान का पौराणिक इतिहास रहा है। इसके लिए भक्तों की भारी भीड़ शाम से ही घाट के किनारे पहुंचने लगती है। श्रीरामपुर घाट पर लोगों का रेला रात में ही बढ़ जाता है। बीते वर्ष सूर्योदय के साथ ही ये भीड़ बढ़ती गई और घाट पर खूब स्नान व दान का सिलसिला चलने लगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद लोग दान पुण्य कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। साथ ही महर्षि भृगु के आश्रम में जाकर उनको जल चढ़ाने से सभी कष्टों से मुक्ति पाते हैं। इसलिए लाखों की तादाद में गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालु स्नान करने के बाद महर्षि भृगु के आश्रम पहुँचते हैं, जहाँ महर्षि की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।